नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं आज आपको ये फिलिप्स का रेडियो है, ये 6 वोल्ट से चलता है और इसमें सूखा सेल 4 गो लगा रहता है। तो 6 वोल्ट का ये रेडियो है, अगर आप ये 6 वोल्ट की रेडियो को ब्लूटूथ से बजाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको साउंड सुनाई देंगे। ये बहुत ही हाई क्वालिटी का इसमें साउंड बना हुआ है। तो अगर आपके पास पड़ा हुआ कोई भी रेडियो है, अगर ये मॉडल का नहीं है या दूसरा ही कोई 6 वोल्ट का है तो आप उसमें बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आप बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं है। सिर्फ आपको एक ये पैनल लेना है और एक ये डायोड लेना है और कुछ नहीं लेना है। तो इनका जो वायरिंग है इसके बारे में मैं पिछला वीडियो में सारा डिटेल बतला चुका हूँ। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखे तो उसका सारा डिटेल आपको समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ सकता है। और मैं इसमें सिर्फ आपको इसको लगाने का टेक्निक बतलाऊंगा, वायरिंग करके नहीं दिखाऊंगा। अगर ज़्यादा कमेंट आ गए कि वायरिंग करके और बजा करके दिखाना है तो मैं इसको बजा करके भी दिखाऊंगा। तो मैं सिर्फ इसमें बनाने का आपको टेक्निक बतला रहा हूँ। तो ये रेडियो 6 वोल्ट की है और ये जो है आपकी 5 वोल्ट की है। तो 1 वोल्ट आपकी बैटरी की ज़्यादा पावर हुई तो इसमें 1 वोल्ट कम करने के लिए ये डायोड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको यहाँ पे जो है 5 वोल्ट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ 5 वोल्ट लिखा है और ये ग्राउंड है और यहाँ पे हो लाइन एल है और लाइन आर है, ये ऑडियो का है और बीच वाला ग्राउंड है। तो आप सीधा ही इस रेडियो के पीछे वाले जहाँ पे आपको 6 वोल्ट का बैटरी का कनेक्शन निकलता है सीधा ही यहाँ पे आपको जोड़ना है। और ये डायोड जो है आपको जिस तरफ ये सफ़ेद बिंदु बना हुआ है ये प्लस साइड से आपको इसे जोड़ना है। इसमें एक एनोड और एक कैथोड होता है, अगर आप उसके बारे में नहीं समझते हैं तो इसको ये जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं इसको प्लस समझ लें। तो व्हाइट कलर जिस तरफ है उस तरफ इसको यहाँ जोड़ने हैं, आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से इसको सोल्डिंग करने हैं। ये प्लस जहाँ पे है वहाँ पे 5 वोल्ट जहाँ लिखा है वहाँ पे, और वो जो वायर आएंगे तो प्लस का आप वायर यहाँ जोड़ सकते हैं और ग्राउंड का यहाँ जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको ये दोनों को जम्फर मार दे, या नहीं तो इन दोनों पे आप किसी एक पे भी जोड़ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आप दोनों को जम्फर मार दे और ये दोनों जम्फर वाले वायर को सीधा ही आप VC का जो तीसरा जिस पे क्लिक की आवाज़ हल्की हल्की आती रहती है वहाँ पे आप सीधा ही जोड़ दे। अगर आपको नहीं पता कि VC की तीसरी वायर कौन है तो आप मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैं सारा डिटेल समझाया हुआ हूँ। तो वहाँ पे तीसरी वॉल्यूम की जो तीसरी वायर है वहाँ पे आपको जोड़ने हैं और ये बीच वाला जो है सीधा ही ग्राउंड पर चला जाएगा। और आपको ये अगर FM बजाना है तो FM की वायर यहाँ से निकलेगी, एल्टीना वायर, आप उसको सीधा ही बाहर खींच सकते हैं। तो इतना ही कनेक्शन करने के बाद आपको ये सीधा ही ब्लूटूथ का पैनल जो है ऑन हो जाएगा और आप इसको ब्लूटूथ से बजा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके में आपको साउंड सुनाई देंगे। ये अच्छा क्वालिटी का है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो लास्ट टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।